गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। फॉर ऑल ऑफ यू जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम है, हेलो, माय नेम इज सुखमनी। आई हैव रिसेंटली मूव्ड टू सरी फ्रॉम चंडीगढ़ अबाउट अ मंथ एंड अ हाफ अगो। मैं यहाँ पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ, अपने इमिग्रेशन प्रोसेस के बारे में बात करती हूँ, एंड इन फ्यूचर यू विल बी सीइंग मोर वीडियोस अबाउट माई लाइफ हियर इन सरी। तो येस, आई होप यू डू चूज टू सब्सक्राइब एंड जॉइन मी इन माई जर्नी हियर इन अ न्यू कंट्री, अ ब्यूटिफुल कंट्री कॉल्ड कनाडा। तो आज की वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा दैट आई बी टॉकिंग अबाउट माई फ्लाइंग एक्सपीरियंस एंड माई फर्स्ट लैंडिंग। बट बिफोर आई गेट इन टू दैट, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द टॉप क्वेश्चन विच आई गेट फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल अबाउट फ्लाइंग एटिकेट्स। सो दैट इज वेन टू बुक योर फ्लाइट। नाउ दैट प्योरली डिपेंड्स ऑन यू। यू नो कि आपके पास COPR है एंड इट इज़ वैलिड फॉर अ होल ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ योर मेडिकल्स। तो आप विद इन अ ईयर कभी भी आ सकते हो। अब आपका आना यहाँ पे, कब आप आओगे, दैट विल डिपेंड ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट इज द अर्जेंसी, कि हाउ बैडली यू वॉन्ट टू बी हियर, एंड सेकेंड हाउ मच मनी यू आर विलिंग टू स्पेंड, बिकॉज एयर टिकट्स के प्राइजेस डायनामिक होते हैं, तो दे कीप ऑन इंक्रीजिंग। आप जितने शॉर्ट नोटिस पे अपनी टिकट बुक करोगे वो उतनी एक्सपेंसिव होगी। दैट सेड, नाउ लेट्स गो इन टू माई जर्नी। तो आई गॉट माई PPR ऑन 23rd March, आई बुक माई टिकट ऑन 31st March, एंड आई फ्लू आउट फ्रॉम डेली टू वैंकूवर ऑन द 1st of May। आई चोज टू गो विद एयर इंडिया क्योंकि मुझे डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए थी। रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से एयर कनाडा ने अपने ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए थे, एंड एयर इंडिया वॉज लिटरली दी ओनली एयरलाइन जो मुझे डायरेक्ट फ्लाइंग ऑफर कर रही थी। एंड देन आई ऑप्टेड फॉर बिजनेस क्लास क्योंकि एयर फ्यूल प्राइजेस वर वेरी हाई, दिस सडनली शॉट अप, एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर ट्रैवलिंग लीविंग इंडिया मूविंग टू कनाडा। एट दैट टाइम टिकट्स मिलना बहुत मुश्किल थी, तो प्राइसेस वैसे ही बहुत ज़्यादा थे, एंड व्हेन आई बुक्ड इट इकोनॉमी और बिजनेस क्लास में सिर्फ 30,000 का फ़र्क था। तो आई जस्ट थॉट वाई नॉट बी एज कम्फर्टेबल एज पॉसिबल। सो या आई फ्लू एयर इंडिया बिजनेस क्लास ऑन द 1st of May। सो अबाउट माई एक्सपीरियंस, टू मी आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। फॉर मी द फूड वॉज अमेजिंग, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी, कैबिन क्रू बहुत अच्छा था, सब बहुत अच्छा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाउ एवर, ऐसे बहुत लोग थे बिजनेस क्लास में जिनको बहुत प्रॉब्लम हुई थी। आई थिंक आई वॉज लकी, आई वॉज वन ऑफ द पीपल जिनकी सीट्स भी प्रॉपरली रिक्लाइन हो रही थी एंड जिनका TV भी चल रहा था। बट देयर वर मेनी पीपल जिनकी सीट्स ही नहीं रिक्लाइन हो रही थी, एंड एनीबडी हु इज स्टक इन अ 14-hour फ्लाइट नोज हाउ डिफिकल्ट इट इज अगर आप बस अप टाइट बैठे हो एंड यू कांट मूव दैट मच, राइट? तो मिक्सड रिव्यूज, फॉर मी इट वॉज ग्रेट, फॉर मेनी अदर पीपल इट वॉज नॉट। देन बिजनेस क्लास के फ़ायदा मुझे बहुत हुआ बिकॉज आई डोंट हैव टू वेट इन एनी लाइन्स, राइट? बिजनेस क्लास की अलग लाइन होती है, टू एंटर द प्लेन इज अ सेपरेट लाइन व्हेन यू आर लीविंग। आई वॉज द सेकेंड पर्सन ऑफ द प्लेन, विच मेंट कि मुझे ना कियोस्क पे खड़ा होना पड़ा, ना लगेज के लिए खड़ा होना पड़ा, ना इमिग्रेशन के लिए खड़ा होना पड़ा, क्योंकि मेरे आगे और कोई था ही नहीं। आई वॉज द फर्स्ट वन टू गेट ऑफ और सेकेंड। तो हमारी फ्लाइट सुबह 9 बजे लैंड हुई, एंड आई थिंक हमारी फ्लाइट उस दिन की पहली फ्लाइट थी जो लैंड हुई थी, एंड दैट इज़ वाई द एयरपोर्ट वॉज एम्प्टी, कोई भी नहीं था, बिल्कुल खाली था, कहीं पर कोई लाइन नहीं थी, नथिंग। तो बेसिकली आप जब एयरपोर्ट पे लैंड करते हो तो आपने नीचे जाना है, नीचे जाके कियोस्क होते हैं, यू कैन सी बाय द टोटम पोल्स, आई इंसर्ट पिक्चर हियर। जब आपने ये देख लिया ना, मतलब आप ठीक जगह जा रहे हो। तो आप नीचे जाते हो, वहाँ पे कियोस्क लगे हुए हैं, जस्ट अ कंप्यूटर स्क्रीन, टच स्क्रीन है, आपने उसके अंदर आपका जो डिक्लेरेशन फॉर्म है, इट्स द सेम क्वेश्चंस, वही रिपीट होते हैं, आपने उनका आंसर देना है, अपनी फ़ोटो क्लिक करनी है एंड अपना पासपोर्ट स्कैन करना है, एंड फिर उसमें से एक रिसीट जनरेट होती है। एंड अगर बाय चांस आप ये अपने आप नहीं कर पाते, तो देयर इज इनफ स्टाफ अराउंड टू हेल्प यू, एंड दे वेरी हेल्पफुल एंड दे विल गाइड यू रियली वेल। सो या जब मैं नीचे पहुंची तो सारे के सारे कियोस्क खाली थे, कहीं पे कोई लाइन नहीं थी। सो आई चोज वन एंड आई एंटर्ड माई इन्फॉर्मेशन, मैंने अपनी रिसीट निकाली और मैं आगे चली गई।
आगे गई तो वहाँ पे एक लेडी थी, उन्होंने मेरी रिसीट चेक करी एंड उन्होंने मुझसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे, लाइक आपका यहाँ पे स्टेटस क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विजिट, आर यू वैक्सीनेटेड कोविड के अगेंस्ट, ये तीन क्वेश्चंस पूछे एंड देन आई वेंट आगे. सो शी जस्ट सेड दैट आप लगेज पिक करके गो आगे ऑन द राइट, देयर इज़ द इमिग्रेशन वाला ऑफिस. तो आई पिक्ड अप माय लगेज. नाउ अगेन यू नो इन बिजनेस क्लास योर लगेज इज़ प्रायोरिटी, तो वो सबसे पहले बाहर आता है. तो आई डिड नॉट हैव टू वेट फॉर माई लगेज ईदर. I think it was fifth or sixth suitcase was mine and second वाले को 2 मिनट और एक्स्ट्रा लग गए थे, बट या आई पिक्ड अप माई लगेज विद इन 5-10 मिनट्स मैक्सिमम. तो उसके बाद मैं अपना लगेज ट्रॉली में डाल के, आपने उसको दूर छोड़ना होता है एक जगह पे, द सिक्योरिटी गार्ड विल टेल यू वेयर टू लीव योर स्टफ, आपने वहाँ पे अपना ट्रॉली पूरा छोड़ देना है एज इट इज एंड देन यू गो टू द इमिग्रेशन ऑफिस. वहाँ पे दे विल गिव यू सम ब्रोशर्स एंड ऑल फॉर हाउ टू अप्लाई फॉर हेल्थ कार्ड, सिम कार्ड कैसे करना है, हाउ टू फाइंड अ जॉब इन कैनेडा, इफ़ यू नीड एनी इंग्लिश क्लासेज फॉर योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स और समथिंग लाइक दैट, तो इट्स लाइक हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन फॉर यू. तो वो कलेक्ट करके आप आगे जाते हो काउंटर पे एंड आप वहाँ पे अपना COPR दिखाते हो, देन दे आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस. मुझे उन्होंने पूछा था कि आई यू हियर ऑन अ स्पाउस PR और एक्सप्रेस एंट्री, तो मैंने बोला कि आई एम हियर ऑन स्पाउस स्पॉन्सरशिप PR एंड आई बी स्टेइंग विद माई हस्बैंड एंड देन दे आस्क मी के इफ आई हैव हैड एनी क्रिमिनल चार्जेस प्रेस्ड अगेंस्ट मी, आई सेड नो. दे आस्क मी इफ आई वॉज एवर डिनाइड अ टूरिस्ट वीज़ा, आई सेड नो. देन दे आस्क मी इफ आई एम कैरिंग एनी मैरिजुआना ऑन मी, आई सेड नो आई एम नॉट, इवन दो मैरिजुआना यहाँ पे लीगल है. आई डोंट नो आप उसके साथ, आई डोंट थिंक यू कैन ट्रैवल विद ऑल ऑफ दैट. तो बट या उन्होंने मुझसे ये सब क्वेश्चंस पूछे एंड देन दे सेड के आप बस वेट करो, वी विल कॉल यू. तो आई जस्ट टोल्ड देम, सो ऑन माई COPR मेरा एड्रेस गलत लिखा हुआ था, मेरी बिल्डिंग की जगह सामने वाली बिल्डिंग का एड्रेस था फॉर सम प्योर रीजन. तो आई करेक्टेड दैट. दे डिड नॉट आस्क मी फॉर एनी प्रूफ कि ये आपने पहले ये एड्रेस था, अब ये क्यों हो गया, ऐसा उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा. बट जस्ट इन केस, बिकॉज मैं बहुत ही पैरानॉइड हो जाती हूँ, मैंने पहले ही एक वेब फॉर्म रेज किया हुआ था कि आपने मेरा गलत एड्रेस लिखा है इसके अंदर एंड आई हैड जस्ट टेकन आउट अ प्रिंट आउट ऑफ दैट वेब फॉर्म कि मैं ये ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुकी हूँ, पर मुझे IRCC से कोई अपडेट नहीं आया अभी तक. सो या then they said के then they noted my new address and then they said के आप बस वेट करो and we'll call you out and I did and then they called me and then they said sign here and then they said welcome to Canada, आप यहाँ से exit कर सकते हो. and I went out of the room, I picked up my luggage trolley and मैं बाहर गई and I met my husband. so yeah, it was very 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 simple and basic and जितना मुझे दिमाग में मैंने बना रखा था कि फर्स्ट लैंडिंग काफ़ी डिफिकल्ट हो सकती है या स्कैरी हो सकती है, वॉट इफ दे सेंड मी बैक, वॉट इफ कोई प्रॉब्लम हो, यू नो जैसे हर बंदा ओवर थिंक करता है जब एक कंट्री से आप दूसरी कंट्री में अपनी पूरी लाइफ लेके शिफ्ट हो रहे हो. आई हैड ऑल ऑफ दोज फियर्स. बट यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं. तो या दैट इज़ माई स्टोरी ऑफ माई फर्स्ट लैंडिंग. आई हैव टू से दैट द एयरपोर्ट स्टाफ इज़ वेरी स्वीट एंड हेल्पफुल एंड मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा. एंड फॉर ऑल ऑफ यू एंग्शियस ट्रैवलर्स जिनको काफ़ी एंजाइटी होती है ट्रैवल करते हुए, स्पेशली अलोन और टू अ न्यू कंट्री, इट इज़ वेरी ईजी टू नेविगेट दिस एयरपोर्ट. हर जगह पे बोर्ड्स हैं, साइंस हैं, इंस्ट्रक्शन के लिए बहुत लोग खड़े हैं. सो डोंट वरी एंड इट विल बी अ स्मूथ प्रोसेस फॉर यू एज वेल. सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी एंड आपकी ट्रैवल एंजाइटी थोड़ी सी तो सूद हो गई होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें. आई रियली अप्रिशिएट ऑल द सपोर्ट. कमेंट करें जिसके लिए यूज़फुल हो, उसके साथ शेयर करें एंड यस, आई विल सी यू गाइस सून इन अ ब्रांड न्यू वीडियो.